हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आपका हमारे चैनल फिल्मी डायरी इन्फो में स्वागत है। हम आज फिर बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस टिया वाजपेयी की फिल्मों की लिस्ट लेके आए हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल फिल्मी डायरी इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टिया वाजपेयी एक इंडियन फिल्म एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी है और इनका पूरा नाम ट्विंकल वाजपेयी है। एक्ट्रेस टिया वाजपेयी का जन्म 22 फरवरी 1985 को लखनऊ शहर इंडिया में हुआ था। वो हमें 2002 में आए सीरियल सास भी कभी बहू थी में पहली बार नज़र आई थी और इनका ये सीरियल टीवी चैनल स्टार प्लस पर आता था। और इनकी फिर 2011 में पहली फिल्म आई हॉन्टेड 3D। यह फिल्म एक हॉरर फिल्म थी। और अब चलते हैं इनकी सारी फिल्मों की लिस्ट की तरफ और इनकी सीरियल लिस्ट की तरफ। इनकी पहली फिल्म आई 2011 में हॉन्टेड 3D। यह फिल्म एक हॉरर फिल्म थी। फिर इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आई लंका। यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। और फिर इनकी तीसरी फिल्म आई 2012 में 1920 इवल रिटर्न्स। यह फिल्म एक हॉरर फिल्म थी। फिर इनकी 2014 में चौथी फिल्म आई आइडेंटी कार्ड। यह फिल्म एक ड्रामा फिल्म थी। और फिर इनकी पांचवी फिल्म आई 2014 में देसी कट्टे। यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। और फिर 2014 में ही इनकी छठी फिल्म आई साइको। यह फिल्म एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म थी। और फिर इनकी 2015 में सातवीं फिल्म आई बन्नी की करेजी बारात। यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। और फिर इनकी 2018 में लास्ट फिल्म आई हेट स्टोरी 4। उसके बाद ये हमें किसी और फिल्म में नहीं दिखी। और अब चलते हैं इनके कुछ सीरियल लिस्ट की तरफ। और इनका पहला सीरियल था सास भी कभी बहू थी, जो कि टीवी चैनल स्टार प्लस पर 2002 में आता था। और फिर ये हमें 2017 में आई वेब सीरीज ट्विस्टेड सीजन 3 में नज़र आई। और ये फिर हमें 2018 में आई वेब सीरीज जख्मी में दिखाई दी। और ये हमें स्टार प्लस के हॉरर शो फिर कोई है में भी नज़र आ चुकी हैं। और चाहे बात इनकी फिल्मों की हो या इनकी टीवी सीरियल की हो, इन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है और अपने फैंस के दिल में एक अच्छी जगह बनाई है। और अब इस वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जो टिया वाजपेयी के फ़ैन हैं वो हमें कमेंट करके बताएं उनको टिया वाजपेयी की एक्टिंग कैसी लगती है और उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है और उनका कौन सा सीरियल सबसे अच्छा लगता है। और हमारे चैनल फिल्मी डायरी इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो लेके।